वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क प्रमेय के हल प्रश्न। हम इसमें चार आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो होगा थेवेनिन प्रमेय से संबंधित, एक परिपथ बना होगा और उसका थेवेनिन तुल्य सर्किट बनाने के बाद उसको हल करेंगे। नॉर्टन प्रमेय से परिपथ को हल करेंगे। और तीसरे प्रश्न में किसी परिपथ में एक से अधिक विभव स्रोत लगे होंगे और उसमें अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से किस शाखाओं में धारा का मान ज्ञात करेंगे। अंतिम प्रश्न में हम अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय का प्रयोग कर उसे हल करेंगे, देखेंगे कि कब शक्ति का मान अधिकतम होगा और वो कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, ये थेवेनिन प्रमेय से संबंधित है। थेवेनिन प्रमेय का प्रयोग करते हुए 15 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करो। तो ये एक परिपथ है, इसमें 15 ओम वाले प्रतिरोध में धारा का मान हमें ज्ञात करना है, इसमें धारा का मान ज्ञात करना है, ये सवाल है। अब हमें करना क्या है, परिपथ को दोबारा बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये है लिखा हुआ 20 वोल्ट और 2 ओम, इसका मतलब ये 2 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसे थोड़ा सा दोबारा से बनाते हैं ताकि बातें सही से समझ में आ जाएँ। ये एक्चुअली ऐसे है कि एक 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और उसके साथ ही 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इसे आप पूरा मिलाकर एक बैटरी मान सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर एक प्रतिरोध है कितना, 2 ओम वाला, दूसरा प्रतिरोध है कितना, 10 ओम का, और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यह हमारे पास दो टर्मिनल है। तो हम इस पूरे यहाँ से यहाँ तक का जो परिपथ है इसे हम दो टर्मिनल वाला नेटवर्क या दो सिरों का रेखीय नेटवर्क मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लगने वाले सभी जो अवयव हैं वो सब रेखीय, मतलब उनमें धारा और विभव का अगर ग्राफ खींचेंगे तो वो एक सीधी रेखा आएगा। अब यहाँ से हमने क्या लगाया है, इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमने एक 15 ओम का प्रतिरोध, जिसे लोड प्रतिरोध कह सकते हैं, वो हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है। अब हमें इसका क्या बनाना है, हमें इसका इक्विवेलेंट या तुल्य परिपथ बनाना है। किसकी सहायता से, थेवेनिन के सहायता से। तो थेवेनिन में एक होगा विभव स्रोत और एक होगा प्रतिरोध, क्योंकि यहाँ प्रतिबाधा कोई है ही नहीं, तो इसलिए प्रतिरोध की बात करेंगे। तो जो यहाँ बॉक्स था, बॉक्स अब आपका ऐसे हो जाएगा और इसके बाहर कनेक्ट होगा कितना, ये आपका जुड़ेगा यहाँ से 15 ओम का प्रतिरोध यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली ऐसे है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये बॉक्स था, अब ये बॉक्स ऐसे है, यहाँ पर ये होगा ETH और ये होगा RTH। अब ETH और RTH को उसकी परिभाषा से निकालेंगे। ETH क्या चीज़ थी, अब देखिए ETH यहाँ पर क्या था, ETH क्या है, ETH है खुले परिपथ में टर्मिनल विभव या विभवांतर, मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज। तो ये यहाँ आ जाएगा आपका। तो हम क्या करेंगे, इसके जो टर्मिनल्स हैं ये वाले, इसे ओपन कर देंगे, मतलब 15 ओम का प्रतिरोध हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आया, ये आया आपका 20 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का प्रतिरोध, 20 वोल्ट 2 ओम, और यहाँ पर क्या है 2 ओम, और यहाँ ये 10 ओम, और यहाँ दोनों जो टर्मिनल हैं ये हमने ऐसे खोल दिए हैं। तो ये टर्मिनल अगर यहाँ खोल देते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस पर विभव का मान निकालना है। इस पर विभव उतना ही होगा जितना कि यहाँ पर है, या इन सिरों का नाम रख देते हैं PQ। तो ये सिरे अगर AB हैं, इसका मतलब जो हमें ETH निकालना है वो क्या है, वो VBAB है, और VAB उतना ही होगा जितना VPQ होगा PQ के सिरों पर। और ये चूंकि एक ही मैश है तो इसमें धारा का मान, तो VPQ कितना होगा, इसमें जो धारा का मान होगा I, उसको हम गुणा कर देंगे उस प्रतिरोध से 10 ओम से, तो ये हो जाएगा। अब I का मान कैसे निकालेंगे, I का मान निकालने के लिए देखिए सारे के सारे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और 20 वोल्ट का विभव है और टोटल प्रतिरोध कितना है, 2 + 2 + 10, इसका मतलब ये कितना हुआ, 20/14 या 10/7 एम्पियर, और ETH हो जाएगा कितना,
10/7 गुणा 10 इक्वल टू 100/7 वोल्ट। तो एक टास्क हमारा पूरा हो गया है, ETH हमारा निकल गया है, कितना आया 100/7 वोल्ट। अब हम निकालते हैं क्या RTH। RTH निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको लिखते हैं RTH का मतलब क्या है। RTH मतलब इसके खुले सिरों पर, नेटवर्क के सिरों पर मापी गई या मापा गया कह देंगे अब प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिबाधा की तो बात ही नहीं करेंगे अब। ये हो जाएगा इसके सिरों पर, जबकि किसको, इसमें धारा स्रोत कोई नहीं है तो लिख देंगे विभव स्रोत को, विभव स्रोत को आंतरिक प्रतिरोध से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो हम फिर से परिपथ बनाएंगे और उस परिपथ में क्या करेंगे, जो ये बैटरी है इसको हटाकर इसका आंतरिक प्रतिरोध यहीं लगा रहने देंगे, और यहाँ जो टर्मिनल हैं इन टर्मिनल पर हम प्रतिबाधा या कह सकते हैं यहाँ पर प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 2 ओम लगा होगा, यहाँ 2 ओम लगा होगा, यहाँ 10 ओम लगा होगा, और ये टर्मिनल निकले होंगे। तो सर्किट को बनाते हैं। तो इस परिपथ को बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर हमने विभव स्रोत हटा दिया और 2 ओम का प्रतिरोध लगा रहने दिया। यहाँ पर आपके पास पहले से ही 2 ओम लगा हुआ है और यहाँ ये 10 ओम है, और यहाँ से हमें ए बी यहाँ लिखा हुआ है, इन ए बी के बीच में जो प्रतिबाधा है या कह सकते हैं प्रतिरोध है या कह सकते हैं आर ए बी आपको निकालना है, तो यही आपका ये होगा। अब देखते हैं कि ये कितना होगा। अब देखिए, ये जो 2 ओम 2 ओम है, इसे ऐसे देखिए तो ये किस में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में इनका मान हो जाएगा 2+2=4। तो 2 और 2 कितने जाते हैं, 4। तो ये पूरा का पूरा 4 है। अब ये 4 ओम का और ये किसके साथ, ये 10 ओम के साथ पैरेलल में है। तो 4 और 10 का पैरेलल होंगे तो इनका प्रतिरोध हो जाएगा 4×10/4+10 या कह सकते हैं 40/14। तो ये हो जाएगा 20/7। तो आपका जो परिपथ है वो इस तरीके से बन गया। तो जो इक्वलेंट सर्किट या कह सकते हैं तुल्य परिपथ है वो यहाँ बना, ETH यहाँ बनाना था। अब ETH का मान यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, ये हो गया ETH, यहाँ लगेगा RTH और यहाँ 15 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। तो RTH तो ये था, यही आपका क्या है RTH है। तो RTH कितना है, ये है =20/7। ETH ऊपर लिखा हुआ था, ETH ये था आपका कितना 100/7, और यहाँ लोड का जो प्रतिरोध जिसमें धारा निकालनी थी ये था 15 ओम। तो यहाँ देखिए ये हुआ कितना 100/7 100/7। अब इसमें धारा का मान निकालना है, तो इस वाले प्रतिरोध में धारा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ETH/RTH+15 या कह सकते हैं ETH कितना है 100/7/20/7+15। अब 7 को नीचे ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो ये यहाँ आ जाता है, तो 7 को कॉमन लेते हैं तो आ जाता है 100/7/135 तो ये जाता है 100/135। तो ये मान आ जाता है 0.74 एम्पियर। तो यही आपका आंसर या इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने थेवेनिन परिपथ तुल्य बनाकर इस सर्किट या इस परिपथ को में धारा का मान ज्ञात कर लिया। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, नॉर्टन प्रमेय का प्रयोग करते हुए 12 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करो। तो ये परिपथ दिया हुआ है या 12 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, इसके तुल्य हमें नॉर्टन परिपथ बनाना है। तो एक्चुअली है क्या है, ये एक्चुअली इतना जो परिपथ है इसे हम 2 टर्मिनल वाला नेटवर्क या 2 सिरों वाला रेखीय नेटवर्क कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्रतिरोध और ये बैटरी लगी हुई है। इसका हमें तुल्य परिपथ बनाना है। तो ये जो परिपथ है इसका तुल्य परिपथ ये हो जाएगा, नॉर्टन का तुल्य परिपथ इस तरीके से हो जाएगा कि एक आपके पास क्या होगा धारा स्रोत होगा और एक यहाँ पर
प्रतिघात या इसका अपोजिट करेंगे तो ये प्रतिबाधा होगी, जहाँ पर हम यहाँ उसे R कहेंगे, N इसका नाम होगा, आई एन इसका तुल्य परिपथ यहाँ तक बन जाएगा, ये ए बी तक बन जाएगा। ए बी के बाद का जो परिपथ है उसमें हम 12 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा देंगे, तो ये इसमें धारा का मान निकल जाएगा। अब हमें क्या करना क्या है, हमें इसका मान या इतना परिपथ यहाँ बनाना है। अब इतना परिपथ बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो आई एन और आर एन। तो ये परिभाषा से लिखेंगे, आई एन क्या था, इसका नाम है नॉर्टन धारा। तो नॉर्टन धारा क्या होगी, ये बंद सिरों में धारा का मान, मतलब क्लोज्ड सर्किट टर्मिनल करंट, इसको इंग्लिश में कहेंगे। तो अगर हम इन सिरों को बंद कर दें तो इसमें धारा का मान क्या होगा, तो इस परिपथ को दोबारा से बना लेते हैं। तो यहाँ जो परिपथ है ये है 36 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम और ये है 6 ओम। और यहाँ पर आपने ऐसे किया हुआ है तो यहाँ जो धारा होगी उस धारा का मान होगा आई एन। अब देखिए यहाँ पर हम किस ढंग से कर सकते हैं, यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगा दें या इस धारा का डिवीजन कर दें। तो ऐसे कर सकते हैं हम, किरचॉफ का वोल्टता का नियम लगा के ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें धारा मान लेते हैं आई वन और इसमें धारा मान लेते हैं आई टू, और इसमें क्या होगा, जो आई टू का मान होगा वही आई एन का मान होगा, तो आई टू ही आई एन होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कितना कितना मान होगा। तो अगर पहले वाले पाश में जिसमें धारा I1 है उसके लिए अगर समीकरण लिखें तो ये हो जाएगा 2I1। इसमें देखिए I1 नीचे की तरफ है, I2 ऊपर की तरफ है, इसका मतलब हो जाएगा I1 माइनस I2 इंटू 6 इक्वल टू 36। दूसरे में क्या होगा, 4I2 प्लस, I2 ऊपर की तरफ है, I1 नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा I2 माइनस I1 इंटू 6 इक्वल टू 0। तो दूसरी वाले समीकरण को देखते हैं पहले, 4i2 ये है, 6i2 ये है, ये हो जाएगा 10i2 माइनस 6i1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, i1 का मान निकाल कर पहली समीकरण में रख देंगे। तो i1 का मान कितना हो जाएगा, 10i2 बटे 6, इसका मतलब ये हुआ 5i2 बटे 3। अब इस मान को इसमें रखेंगे, इसमें देखिए 2i1 ये है, 6i1 ये है, ये हो जाता है 8i1 माइनस 6i2 बराबर 36। तो ये हो जाता है 8i1 8 गुणा 5i2 बटे 3 माइनस 6i2 इक्वल टू 36। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 18i2 बटे 3 बराबर 36, या इसे हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है 22i2 बटे 3 बराबर 36। तो I2 का मान हुआ कितना, 36 गुणा 3 बटे 22, तो ये हो जाता है 11 और ये हो जाता है 18, यह कह सकते हैं 54 बटे 11 एम्पियर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है IN। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हमें निकालना होगा RN। अब RN निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए RN। RN क्या है, सिरों पर मापी गई प्रतिबाधा। जब कब मापेंगे प्रतिबाधा, जब उनके जो वोल्टेज स्रोत है उसको हमने उसके आंतरिक प्रतिरोध से बदल दिया है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज सोर्स कैसा है, ये एक आदर्श है, तो उसे जीरो से बदल देंगे। तो हम दोबारा से परिपथ को बनाएंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, एक तार लगा देंगे। यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम का प्रतिरोध है और 4 ओम का प्रतिरोध है। तो इसको दोबारा बनाते हैं परिपथ को, यहाँ देखिए। तो इस परिपथ को अगर दोबारा बना दें तो इस तरीके से बनेगा, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और नीचे कितना था, ये था 6 ओम, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 6 ओम है। यहाँ जो वोल्टेज स्रोत था उसे हमने तार से बदल दिया क्योंकि उसका प्रतिरोध शून्य है। तो यहाँ जो टर्मिनल है ए बी, इनके बीच में प्रतिरोध निकालना है आर ए बी, यही आपका क्या होगा, यही आर एन भी होगा। तो अगर मैं इन्हें देखूं कि जो 2 ओम और 6 ओम वाले हैं ये एक्चुअली किस में है, समांतर क्रम में है,
इनका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इनका प्रतिरोध हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 ओम गुणा 6 ओम बटे 2 + 6। और इसको जब ये समांतर क्रम में जोड़ कर एक प्रतिरोध बना देंगे तो उसके साथ ये 4 ओम वाला श्रेणी क्रम में होगा, तो इसका मतलब इसको श्रेणी क्रम में इनके साथ जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 12/8 + 4, ये कह सकते हैं ये हो जाता है कितना 11/2 ओम, कितना है आर एन है। तो अब इसका तुल्य परिपथ बना लेते हैं, जो हमारे पास धारा स्रोत है वो कितना है, ये है धारा स्रोत है आई एन बराबर 54/11 एम्पियर, और इसके साथ हमने प्रतिरोध कितना लगाया है, यहाँ प्रतिरोध लगाया है कितना 11/2 ओम, और इसके साथ यहाँ तक हम कहाँ पहुँच गए, ये हम ए बी तक पहुँच गए। अब ए बी के बाद हम क्या लगाएंगे, हम वो प्रतिरोध लगाएंगे जिसमें हमें धारा का मान निकालना है, इसे हम ऊपर से फिर देख लेते हैं। 12 ओम का देखिए, 12 ओम का लोड प्रतिरोध है तो 12 ओम का प्रतिरोध है, तो ये कितना है, ये है 12 ओम। अब यहाँ से 54 ओम का धारा आ रही है, एक धारा इसमें जा रही है एक धारा इसमें जा रही है, तो ये इसे मैं कह सकता हूँ आई वन, इसे कह सकता हूँ आई टू, तो धारा है ये आई, ये आई कितना है, ये है 54/11। अब ये धारा का विभाजन के नियम से कर देंगे इसे, धारा के विभाजन के नियम से 12 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई टू, आई टू कितना हुआ, ये हुआ कितना आई टू में धारा का मान, एक्चुअली जो धारा बढ़ती है वो रिवर्स रेशियो में या उल्टे अनुपात में बढ़ती है, तो हमें क्या होगा, ये कहेंगे 11/2 + 12, और गुणा धारा बटने कितनी थी, ये थी 54/11। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 11/2, और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना 24 और 11 35, ये आ जाएगा 35/2 गुणा 54/11, तो इसका मान आ गया 11 × 54/35 × 11, तो 11 से 11 कटा तो आ गया 54/35 बराबर कितना जाता है, तो 54 को 35 से भाग करेंगे तो आई टू का मान आ जाएगा 1.54 एम्पियर, इसका मतलब जो 12 ओम के प्रतिरोध में धारा है उसका मान आ जाता है 1.54 एम्पियर, जो इसका उत्तर है। चलिए तीसरा एग्जांपल करते हैं, तीसरे प्रश्न में देखते हैं, अध्यारोपण प्रमेय का प्रयोग करते हुए ए बी बी सी तथा बी शाखाओं में धारा का मान ज्ञात करो, तो ए बी शाखा है, ये आपकी बी सी शाखा है, ये आपकी बी शाखा है, तो अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से हमें इन तीनों शाखाओं में धारा का मान ज्ञात करना है। अध्यारोपण प्रमेय का मतलब है अगर एक से अधिक विभव स्रोत या धारा स्रोत लगे हैं, तो चूंकि यहाँ विभव स्रोत लगे हैं तो इनकी बात करते हैं, तो इस प्रमेय से मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम पहले एक विभव स्रोत लगाएंगे और इसे नहीं लगाएंगे, तब इन तीनों में धाराओं का मान निकालेंगे, उसके बाद हम इसे लगाएंगे और इसे नहीं लगाएंगे, तो इसमें धारा का मान तीनों में धारा का मान ज्ञात करेंगे और फिर उन धाराओं के मान का योग निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पहले वाले विभव स्रोत को लगाते हैं और दूसरे वाले विभव स्रोत की जगह उसका आंतरिक प्रतिरोध वहाँ लगा रहने देंगे, तो इस परिपथ को दोबारा बनाते हैं इस ढंग से, सिर्फ पहला विभव स्रोत यहाँ लगा हुआ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 ओम लिखेंगे, यहाँ 4 ओम लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, ये 6 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे, और इधर इस विभव स्रोत की जगह इसका आंतरिक प्रतिरोध जो कि यहाँ दिया हुआ है कितना 2 ओम लिखा हुआ है, तो 2 ओम यहाँ लगा देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैटरी लेंगे और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है ये बाहर से लगा देते हैं ताकि हमें कोई भूल चूक ना हो जाए, तो इसे लिख देंगे 200 वोल्ट और यहाँ लिख देंगे 2 ओम। अब क्या करेंगे, इस इन सब में धारा का मान ज्ञात करेंगे, तो ए बी बी सी और बी ई, ये डी है और ये है एफ, तो इसमें धारा मान लेते हैं कि लूप धारा या मैश में धारा कितनी है, ये कह देते हैं आई वन और इसे कह देते हैं कितना आई टू। अब किरचॉफ के वोल्टता के नियम से इसमें धाराओं के मान के संगत इस समीकरण निकाल देते हैं, तो ये इसमें कितना हो जाएगा, ये इस तरफ धारा है, ये हो जाता है 2I1, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6I1 में नीचे की तरफ है, इसकी वजह से भी नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा I1 + I2 × 6।
प्लस ये दो में आई वन है तो प्लस टू आई वन इक्वल टू 200। इस दाने वाले मैश में जिसमें धारा का मान आई टू है इसमें हो जाएगा 4 I2 यानी कि 4 I2। ये प्लस कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 दोनों का योग करके इसका 6 प्लस इसमें कितना हो जाएगा 2 I2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये I1 तो 6 ही है, 6 I1, और ये I2 कितना है 2 है, 6 है, फिर 4 है, तो 6 और 4 10 और 2 12 I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख देते हैं कि I1 बराबर -2 I2। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें रख देंगे। तो इसमें रखने के लिए पहले इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 2I1 ये है, 6I1 ये है, 2I1 ये है, 6I1 6 2 8 और 2 10, ये एक्चुअली है 10I1 प्लस 6I2 इक्वल टू कितना है 200 है। अब I1 बराबर है -2I2 तो ये हो जाएगा कितना, -20I2 प्लस 6I2 इक्वल टू 200, तो ये हुआ -14I2 इक्वल टू 200, तो ये हुआ I2 बराबर कितना हुआ -200/14 या -100/7 एम्पियर। क्या ये I2 का मान हुआ। अब I1 का मान अगर यहाँ से निकालें तो इसी से हम I1 का मान निकाल सकते हैं। तो I1 का मान हो जाएगा -2I2 मतलब -2 × -100/7 इक्वल टू कितना हो गया 200/7 एम्पियर I1। तो ये दोनों मान को हम ध्यान रखेंगे, ये पहले वाले स्रोत को लगाने की वजह से है और ये I1 का मान है जब हमने सिर्फ पहला स्रोत लगाया है। अब हम क्या करेंगे, सर्किट या परिपथ को दोबारा से बनाएंगे जब हम सिर्फ दूसरा स्रोत लगाएंगे। तो दूसरा स्रोत यहाँ लगाएंगे और पहले स्रोत की जगह क्या लिख देंगे, उसका आंतरिक प्रतिरोध। तो देखते हैं दूसरा स्रोत कितना है, दूसरा स्रोत है 150 वोल्ट का। परिपथ फिर से बनाते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कितना है, ये है यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर कितना है 4 ओम, यहाँ कितना है 150 वोल्ट और 2 ओम, ये है 150 वोल्ट और ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम और ये कितना है, ये है आपका 6 ओम। इसमें जो प्रतिरोध छोड़ देंगे और बाकी जो आपका विभव था उसे हटा देंगे क्योंकि अब हमने दूसरा ही विभव स्रोत ले रखा है। तो ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 2 ओम। तो अब इसमें जो धारा बनाएंगे मैश यानी कि पास वाली धारा है इसे लिख देंगे I1 कर देते हैं इसे, और इसे कर देते हैं कितना, ये कर देते हैं I2। तो अब इनकी समीकरण लिखते हैं। पहले वाले में देखिए इसमें जो धारा का मान है ये I1 है तो ये आ जाएगा 2 I1, और इसमें 6 में धारा दोनों एक तरफ हैं तो ये लिख देंगे I1 + I2 × 6 प्लस इसमें देखिए ये 2I1 इक्वल टू कितना जाता है 0 जाता है। तो इसमें कितना आएगा, ये आएगा 4 I2 और प्लस यहाँ दो धाराएं हैं I1 I2 और प्रतिरोध है 6 तो ये आ जाएगा I1 + I2 × 6 प्लस 2I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 150। तो पहले पहली वाली जो समीकरण है उसे थोड़ा सा हल करेंगे। देखिए 2I1 यहाँ है, 6I1 यहाँ है, 2I1 यहाँ है, तो ये आ गया 10I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 0। इसका मतलब कितना हुआ, ये आ गया आपका I1 बराबर -6/10 I2 या इसे कह सकते हैं I1 बराबर -3/5 I2। अब इसको इसमें रखेंगे तो इसके लिए पहले इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे। ये I1 है 6 I1, तो ये कितना आया 6 I1 आया प्लस 6 यहाँ से है, 2 यहाँ से है, 4 यहाँ से, तो 6 और 4 10 और 2 12, ये 12 I2 इक्वल टू 150। तो इसे देखते हैं, तो I1 के लिए कितना रखेंगे, ये आ गया 6 I1 के लिए रखा -3/5 I2 प्लस 12 I2 इक्वल टू 150। अब देखिए यहाँ पर कितना आया, ये आया -18/5 I2 प्लस 12 I2 इक्वल टू 150। तो ये कितना आया, ये आया -18+60/5 I2 = 150 चल रहा है। तो अब कितना आ जाता है, 60 में से 18 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 42 या 42,
दिया जाता है 42/5 I2 = 150। तो I2 कितना आ जाता है, 150 × 5/42, तो इक्वल टू आ जाता है 750/42। ये आ जाएगा कितना, I2। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम इससे वैल्यू निकाल देते हैं I1 की। तो I1 कितना है, -3/5 × I2। I2 है 750/42। अब 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 150। इसका मतलब ये हुआ माइनस के 450/42, ये I1 हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमारे पास है I1 है, I2 है, ये पहले वाले स्रोत की वजह से था, और दूसरा है I1 I2, ये किसके स्रोत की वजह से, E2 की वजह से। इसका मतलब इन दोनों का सम हम करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें आ सकती हैं। तो अब देखते हैं कि इन दोनों का सम करके कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम पहले इन चारों मान को एक जगह रख देते हैं। तो हमारे पास जो चारों मान हैं, जब हमने विभव स्रोत E1 लिया था, तो E1 लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आई थी I1, इसका मान यहाँ लिखते हैं। इसके बाद इसमें धारा का मान आया था I2, इसका मान यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद हमें धारा विभव स्रोत लिया था E2, धारा का मान था I1, और यहाँ पर धारा का मान था I2। तो देखिए यहाँ पर I2 तो ये रहा हमारे पास, ये है 750/42, और यहाँ दूसरा जो धारा का मान है ये है आपका I1, ये है -450/42। और इसके बाद I1 कितने थे, ये हमारे पास I1 की वैल्यू थी। I1 था हमारे पास कितना, 200/7, और ये था -100/7। तो I1 था हमारे पास 200/7, और ये था -100/7। इसे थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, अगर 6 से काटें तो ये आ जाएगा -7, और 6 से काटेंगे तो 7 और 5, 6 से ये भी कट सकता, तो इसे भी हम 6 से काट देते हैं। तो 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा, 1 और 2 और 5, 125/7। अब देखिए जो धाराओं के मान अलग अलग शाखाओं में लिखते हैं, इसकी वजह से शाखा AB में धारा का मान, शाखा AB में धारा का मान अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, पहले वाले स्रोत की वजह से I1, तो इसमें शाखा AB में धारा का मान अगर लिखेंगे तो शाखा AB सबसे पहले वाली है, तो शाखा AB में धारा का मान देखिए पहले वाले की वजह से I1 और दूसरे वाले की वजह से I1। इसका मतलब हो जाएगा I1 + I1। यहाँ पे शाखा BC में धारा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 + I2। तो इसे दोबारा लिखते हैं, तो शाखा AB में धारा का मान, AB में धारा का मान कितना होगा, ये होगा पहले वाले स्रोत की वजह से I1 और दूसरे वाले स्रोत की वजह से I1। तो ये कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है कितना, 200/7 - 75/7 = 125/7 A। अगर मैं कहूँ शाखा, तो शाखा BC में धारा का मान, शाखा BC में धारा का मान, तो शाखा BC में धारा का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 + I2। तो I2 कितना है, -100/7, और ये प्लस कितना है, 125/7, तो ये हो जाएगा 25/7 A। तो अब देखिए हम दिखाएंगे शाखा BE में धारा का मान, तो BE में जो धारा का मान है वो इन दोनों का योग है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125/7 + 25/7 = 150/7 A। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीन इसके आंसर आ जाते हैं, AB में धारा का मान, BC में धारा का मान, और ये BE में धारा का मान आ जाता है। अब हम फोर्थ एग्जांपल करते हैं, अब हम चौथा एग्जांपल लेते हैं। 10 वोल्ट के दिष्ट धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 12 ओम है, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए लोड प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम शक्ति की गणना भी करो। तो ये इस तरीके से है कि 10 वोल्ट का एक विभव स्रोत है और इसका आंतरिक प्रतिरोध है 12 ओम, और हमें इसके साथ एक कनेक्ट करना है क्या, RL या लोड प्रतिरोध कनेक्ट करना है। तो ये कह रहे हैं कि लोड प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, तो अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय से, जो ये प्रतिबाधा है ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होना चाहिए,
तो रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इसके अपोजिट होगा। तो चूंकि यहाँ सिर्फ रियल पार्ट ही है तो हम कह सकते हैं कि ये लोड प्रतिरोध इसके आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। तो ऐसे कह सकते हैं लोड प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध। अब लोड प्रतिरोध कितना है? RL है। आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है कितना? 12 ओम है। इसका मतलब RL का मान आपको कितना रखना होगा? 12 ओम रखना होगा। अब ये कह रहे हैं अधिकतम शक्ति की गणना भी करो। तो अधिकतम शक्ति की गणना करने के लिए हम निकालते हैं पहले I, इस परिपथ में धारा का मान कितना है। RL और ये सीरीज में लगे हुए हैं तो इसका धारा का मान आ जाएगा 10/12 प्लस RL। RL का मान हम निकाल ही चुके हैं तो ये आ जाएगा 10/12 प्लस 12, या कह सकते हैं 10/24, या हो सकता है कितना कह सकते हैं 5/12 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं शक्ति। शक्ति का मतलब पावर। तो शक्ति मतलब पी कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर एल। आई स्क्वायर कितना है? 5/12 का वर्ग गुणा आर एल। आर एल कितना है? 12 है। इसका मतलब यह हुआ 5×5×12/12×12। तो ये 12 से 12 कटा, ये हुआ 25/12। और शक्ति ये की यूनिट हो जाएगी वाट। तो ये आ जाता है इतने वाट इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से अधिकतम शक्ति कितनी होगी? 25/12 वाट होगी। और ये कब होगी? जब लोड प्रतिरोध कितना होगा? 12 ओम होगा। तो इस तरीके से हमने नेटवर्क प्रमेय से संबंधित 4 शॉर्ट एग्जाम्पल कर लिए हैं। ये एग्जाम में भी आते हैं और इससे हमें थोड़ा सा जो थ्योरी है वो पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।